माय चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए। और जैसा कि आप सबको पता है गर्मियां आ गई हैं तो आइसक्रीम खाने का सबका मन करता है, तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट ओरियो आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे ओरियो बिस्किट। ये चॉकलेट क्रीम वाले हैं, ये देखिए चॉको क्रीम वाले मेरे पास ओरियो बिस्किट है। इन्हें मैं मिक्सिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी। तो मैं इन्हें क्रीम के साथ ही यूज कर रही हूँ, क्रीम अलग नहीं कर रही हूँ। ये देखिए बिस्किट का पाउडर बना लिया मैंने यहाँ पे, इसे डालूंगी मैं एक बोल में। और अब मैं इसमें डालूंगी आइसिंग शुगर 2 चम्मच, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर कुछ भी ले सकते हो। तो ये ड्राई मिक्स हो गया हमारी ड्राई चीजें। इसमें डालेंगे हम चिल्ड दूध, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। ये देखिए मेरा बैटर एकदम परफेक्ट है। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से बिस्किट, ओरियो बिस्किट, इन्हें क्रश करके। और हम इन्हें एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिए यहाँ पे टी कप। आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हो, टिफिन में जमा सकते हो या किसी ट्रे में जमा सकते हो। मैं यहाँ पे कुल्फी शेप दे रही हूँ इसलिए मैंने ये टी कप लिए। और अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी इन कप्स के अंदर। ये देखिए मैंने दोनों में अच्छे से फिल कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर फॉइल सेट करेंगे, फॉइल पेपर। देखिए मैंने अच्छे से दोनों को फॉइल से कवर कर दिया है और मैंने यहाँ सेंटर में इन पे कट लगाया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें आइसक्रीम स्टिक, तो इसको कर देंगे इसके अंदर। और अब मैं इन्हें 6 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। और अब मैं इसे कर दूंगी बंद। देखिए हमें काफी टाइम हो चुका है और अब मैं आइसक्रीम को निकाल लूंगी, तो ये जम चुकी है। आहिस्ता एकदम आराम से निकालना है। और ये देखिए मैं दूसरी को भी ऐसे निकाल लूंगी। परफेक्ट। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही यमी है। सिर्फ बिस्किट से बनाई है मैंने। आप मेरी इस वीडियो घर पे जरूर ट्राई करें। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो क्यों ना उनके लिए घर पे ही बनाई जाए चॉकलेट आइसक्रीम। तो आप इसे जरूर अपने घर पे ट्राई करें।